तो ये सुपर डिलीशियस काजून पटेटोज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉईल किए हैं बेबी पटेटोज़ यानी कि छोटे वाले आलू। इसको मैंने प्रेशर कुकर में पकाया था सिर्फ एक विसल तक के। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा सीटी नहीं बजाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने एक सीटी तक के इसको बजाया और अब इसको निकाल देंगे। और आपको चाहिए तो इसके ऊपर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं और फिर हम इसको पील करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे आलू को पील कर दिया यानी कि छील दिया है और आधे आलू में मैंने स्किन रखी है। तो हम दोनों तरीके के काजून पटेटोज़ बनाएंगे, स्किन वाले और विदाउट स्किन वाले, ताकि ना आपको दोनों का फ्लेवर पता चले और ये दोनों ही बहुत मज़े के लगते हैं। तो आधे आलू में मैंने स्किन रखी है और आधे को मैंने छील लिया इस तरह से, ये देखिए। अब एक आलू लेंगे और इसको हम ऐसे मैश करेंगे। तो अपना हाथों का हल्का से ऐसे दबा लीजिए और इसको मैश कर लीजिए। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, मतलब ये थोड़ी सी मोटी टिक्की होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमको इसको मैश करना है। और आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये फुल्ली बॉइल्ड नहीं है, इसकी वजह से नहीं, ये थोड़े से ऐसे क्रैक्स आ रहे हैं इसमें। तो बिल्कुल इसी तरह के आलू हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल नहीं करना है फ्रेंड्स आलू को, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सारे आलू इस तरह से मैश कर लीजिए, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा दबा के इसकी टिक्की बना लीजिए। ये देखिए मैंने सारे मैश कर लिए यानी कि टिक्की बना दी है, दोनों रेडी हैं। मैं आपको ये वाले भी दिखाती हूँ, विदाउट स्किन वाले भी और ये स्किन वाले, दोनों की टिक्कियाँ तैयार हो गई है। अब एक बोल में हम बनाएंगे इसका घोल यानी कि इसकी आउटर कवरिंग, जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मैदा और उसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, या फिर आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं या फिर राइस फ्लावर। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, आप चाहें तो इसके बदले ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून सॉल्ट, और मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, रेड चिली पाउडर से इसको बहुत ही अच्छा सा कलर मिलेगा। इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और लगातार इसे मिक्स करते जाइए ताकि इसका एकदम स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करूँगी, ये एकदम गाढ़ा लग रहा है मेरे को इस वक्त। मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी ना वो आपको दिखाती हूँ, इसकी ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा पतला साइड है लेकिन बहुत पतला भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा थिन पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब एक एक पटेटो लेंगे और इसको डिप डिप करेंगे, अच्छे से कोट हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बस हमको इसकी पतली सी कवरिंग चाहिए। और इसको फ्राई करेंगे हॉट ऑयल में, तो एक एक करके इसको डिप करते जाइए और एकदम गर्मा गर्म तेल में इसको फ्राई करते जाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसे फ्राई करने में मीडियम हाई फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी कुकड ही हैं, बस हमको आउटर जो कोटिंग है ना उसको एकदम करारा बनाना है और थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ लेके जाना, मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर हमें चाहिए। इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आलू जिसकी स्किन निकाल दी थी वो भी मैंने डिप डिप करके फ्राई कर लिए। तो मेरे दोनों बैचेस रेडी हो गए हैं, ये देखिए आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ये स्किन के साथ और ये विदाउट स्किन के साथ। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मेयोनीज़, तो ये एक एगलेस मेयोनीज़ है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है, आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर या फिर पैप्रिका, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। लग रहा है ना ऐसे मज़े का। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक को भी क्रश करके डाल सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अनियन पाउडर, ये भी इसकी एक खासियत है, अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है तो आप इसमें फाइनली चॉप्ड अनियंस भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएँ और हमारी बढ़िया सी ड्रेसिंग, बढ़िया सी कोटिंग, या फिर आप जो भी इसे कहें ड्रेसिंग या फिर मेयोनीज़ का मिक्सचर, वो तैयार हो जाए। और इस वक्त फ्रेंड्स मुझे इसमें कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून और कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। मेरे को ना थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया ना, और ये थोड़ा सा गाढ़ा ही है, आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दूध, तो ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, मतलब एकदम गर्म दूध नहीं है, मैंने फ्रिज में से निकाला है और बॉईल किया हुआ पड़ा था। तो इसको भी थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मतलब आप ऊपर से डाल सकते हैं आलू के ऊपर। एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी की, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। इसको खाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस अब करना क्या है, हमारे पटेटोस भी तैयार है, ड्रेसिंग या फिर टॉपिंग भी तैयार है। इसको अब हम प्लेट अप करेंगे। तो सबसे पहले प्लेट में मैं डाल दूंगी आलू विद द स्किन एंड इसके ऊपर डाल देंगे मज़ेदार मेयोनीज सॉस। वाओ, देखिए कितनी सुपर्ब, क्रीमी, अमेजिंग लग रही है, वंडरफुल। तो सारे आलू के ऊपर ये डाल दीजिए। देख के आपको फ्रेंड्स मुंह में आ रहा है ना पानी। और इसी तरह से दूसरे प्लेट के ऊपर भी डाल देंगे जिसमें मैंने रखे थे आलू विदाउट स्किन। और लास्ट में इसको गार्निश करेंगे बस थोड़े से चॉप्ड अनियंस के साथ, थोड़ी सी फ्रेश धनिया और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। और चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस ये सुपर टेस्टी परफेक्ट लुकिंग काजून पटेटोस रेडी है। और ये बहुत मज़े के लगते हैं फ्रेंड्स खाने में। ये देखिए जब मैं इसका बाइट ले रही हूँ ना, ऐसे क्रंच आ रहा है फोक में जब लेते हैं तो। और ये सॉस जब आप लेंगे ना, सुपर फ्लेवरफुल, सुपर फ्लेवरफुल गाइस। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और घर पे इसको बनाने का ना अलग ही मज़ा होता है। आपको जितना चाहिए आप इसको खा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की थोड़ी सी अलग और स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।